ये देखिए फ्रेंड, मैं कैसे आप पैटर्न काटे, जो सिंगल कटोरी का होता है ना, जो सिंगल कटोरी पैटर्न आप कैसे काटे, और पैटर्न काटने के बाद ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। एक पार्ट, ये जो बैक पार्ट होता है इसका, ये एलिट होता है, और ये कटोरी है, और ये स्लीव्स है, और ये एस है मेरा। तो ये एक तरीका से आप कैसे ब्लाउज बनाना है, जो लोग ब्लाउज नहीं जानते, ब्लाउज नहीं कैसे स्टिच करते हैं, ये वीडियो नहीं देखा है, तो ये वीडियो से अभी आप ब्लाउज बना सकते हैं। और मैंने पूरे डिटेलिंग दिखा रहा हूँ अभी, कि कैसे बैक पार्ट कटे, कैसे एस कटे हम, और ये ब्लाउज आपको इस तरह जो हम देखे ना, इस तरह चोली कट का जो होता है, सेम टेक्निक है जो चोली कट करना है। और ये जो पटोल जो कटोरी है, ये कटोरी का सिर्फ अलग है, इस तरह और इस तक चोली कट का और कटोरी का एक ही फॉर्मूला है इस तरह। और इससे बाद ये अगर हम सिंगल कटोरी जो जब काटेंगे वो थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। अलग का मतलब है अलग नहीं होगा, मगर ये हम एक साथ काटेंगे, जो बाटी और पटोल है एक साथ काटेंगे, और इसका तरीका भी थोड़ा सा अलग है, और बाकी सब एक ही जैसा है। स्लीव हम चोली कट में और प्रिंसेस कट में जैसे कटे वो भी एक है। तो चलिए हम दिखा रहा हूँ आप लोगों को जो कैसे हम ये पैटर्न कटे। तो इसके लिए आपको चाहिए पहले वाला एक है, जो मैंने तीन आपको मेजरमेंट फॉर्मूला आपको दे चुका हो, ये आप लेफ्ट साइड में ले और एक मेजरमेंट ले किसी का, ठीक है। कोई भी कस्टमर आप ब्लाउज और आपका खुद का भी आप बना सकती है। आप जो ब्लाउज का जो मेजरमेंट होता है उससे पहले आप लिख लीजिए, और लिखने के बाद कैसे करें हम कर रहे हैं हम। अब देखिए ये जो है दोनों हम रखा है यहाँ पर, और इसमें लिखा है जो ब्लाउज का जो लेंथ होता है, जो हाई बस्ट हाई वेस्ट आर्म होल फ्रंट ने फुल लेंथ। फ्रेंड ये देखिए फुल लेंथ मेरा 13 इंच है यहाँ पर, ठीक है। तो 13 इंच हम लेंगे, और क्या क्या लगेंगे बैक पार्ट के लिए आपको लगेगा, क्या फुल लेंथ लगेगा, शोल्डर लगेगा, आर्म होल लगेगा, ये बहुत सारा मेजरमेंट आपको लगेगा इसमें। ये देखिए आपका मैंने 13, और 13 का भी ये आप 13 देख रहे हैं अभी, ये 13 है, ठीक है। और हमने यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन रखा है, हाफ इंच आप रख सकते हैं, और ऊपर में भी ये हमारा 13.5, और इसमें हाफ, यानी कि हम 14 लेंगे, मैंने 14 इंच हम लेंगे यहाँ का फुल लेंथ का, जो असली मेजरमेंट है 13, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे क्या, शोल्डर लेंगे। इसका शोल्डर क्या है, शोल्डर है 14 या और 14.5 इंच, तो हम 14 पकड़ेंगे इसका। 14 का होता है 7 होता है, ठीक है, हाफ ऑफ शोल्डर का 14 का ये 7, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर दे रखा है, और देखेंगे जो इसका बास्ट है वो क्या है, ठीक है। इसका बास्ट देखिए फ्रेंड, मैंने अभी जो आप लोगों को बोला हो, जो 33.5 उसका नॉर्मल बास्ट है। तो मुझे क्या करना है, हम समझ चुका हूँ जो ये जो कस्टमर का जो ब्लाउज है उसका बास्ट ज़्यादा है, ठीक है, बॉडी से ज़्यादा है, तो इसका क्या करना पड़ेगा। और ये 33 है ना, तो हम समझेंगे जो ये 30 साइज का ब्लाउज है इसका, और ये 36.5 इसका मतलब है आपका बॉडी आपको 32 लेना पड़ेगा उसका, ठीक है। 30 में अगर आप लोगे तो इसका जो बास्ट में ये बॉडी फिटिंग्स नहीं होगा, टाइट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम बॉडी को ज़्यादा ले रहे हैं अभी, ठीक है। इस बात को अच्छी तरह से आप समझिए, मैं क्या समझने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड। तो इसका शोल्डर हमने 14 ले चुका, और इसका जो जो फिगर हमने देखा है, जो इसका फिगर ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका, तो हमने 7 ले चुका हूँ। और हम जानते हैं जो शोल्डर का जो मेजरमेंट होता है ना, जो 30 का क्या होता है, 30 का
जो शोल्डर का मेजरमेंट होता है 4.5 होता है और 32 साइज का 5.5 होता है, तो ये हम जानते हैं फ्रेंड। तो हम क्या करेंगे, तो इसका हम माइनस फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे इसका, ठीक है। तो 7 माइनस 2, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यानी कि इसका साइज है 32, हम इसका माइनस फार्मूला अगर हम इस्तेमाल करें तो क्या होता है 5 और उसके बाद हाफ इंच, यानी कि 5.5 हो जाता है, ठीक है। तो हम ये नहीं करेंगे फ्रेंड, क्योंकि इसका साइज है 30 साइज का ब्लाउज है, इसका बस्ट है 33, तो 33 का जो शोल्डर होता है ये 4 यानी कि 4.5 होता है, ठीक है। तो हम 5 कर सकते हैं और 4.5 भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब 4.5 भी कर सकते हैं हम। तो फ्रेंड हम 5 करेंगे इसमें। अगर आपका ये हाई नेक का अगर ये ब्लाउज हो तो हम ये लेंगे। तो फ्रेंड मैं जो आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझिए ज़रा, अगर इसका ब्लाउज हाई नेक है तो हम यही लेंगे, इसका कोई इधर उधर नहीं है, हम 7 ही लेंगे और उसके बाद हाफ लेंगे। और ये जो बैक नेक बहुत डीप है और फ्रंट नेक भी डीप है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आप ऐसे भी ये बना सकते हैं, मगर आप लोगों को अगर जानकारी इसके बहुत है तो आप ये इसमें भी बहुत सा टेक्निक लगता है इसमें, जो अगर साइड में आप ज़्यादा करोगे तो फिट कैसे होता है, तो इसमें इसके लिए आपको बहुत सारा ज्ञान होना चाहिए। तो मैं पहले पहले बोलूँगा आप लोगों को, जब पहले पहले आप काम कर रहे हो धीरे धीरे आपको समझ में अगर आ जाए तो आप बाद में ये फार्मूला इस्तेमाल करना, पहले आपको क्लोज लेकर करना पड़ेगा। और देखना है अगर बहुत सारे लोगों का जो काम जो शोल्डर हिल जाता है लूज होता है उसका भी अलग से काम वजह है उसका, तो हम वो वजह हम नहीं बताएंगे, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम बता रहे हैं ये शॉर्ट में बता रहे हैं आप लोगों को। तो हम ये जो सिंगल कटोरी दिखा रहे हैं इस फिगर का, इस मेजरमेंट का हम 4.5 लेंगे, ठीक है, और इसका भी हम 4.5 लेंगे, ठीक है। फुट हम लेंगे 1.5 लेंगे, ठीक है। और इसका जो बास्ट है तो 33 है, यानी कि हम 32 पकड़ेंगे इसे, 32.5 यानी कि 1/4 ऑफ बास्ट प्लस हाफ इंच।